और इसको चला लेंगे। इसमें बॉईल के बाद पास्ता भी हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये पास्ता हमने डाल दिया है तो ये सॉस जो है हमें थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो जो ये पास्ता बॉईल करने में हमने पानी निकाला था अभी हम इसको डाल देंगे और मिक्स करके थोड़ा सा इसको पका लेंगे हम। पास्ता बिल्कुल बनकर तैयार है तो अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। पास्ता हमने डिश आउट कर लिया है, इसको हम गार्निश करेंगे मोजरेला चीज के साथ, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे ऊपर से। मिक्स हर्ब डाल देंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार है बहुत ही क्रीमी और यमी व्हाइट सॉस पास्ता। आप घर पर इसको एक बार जरूर बनाकर देखिए। तो मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।